खुशियों के ये पल आज हैं और हैं कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। नगर निगम ने मंगलवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई निर्माणों को जमीन दोज किया। वहीं एक चार मंजिला इमारत को सीज किया है। अजमेर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का नेतृत्व उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता कर रहे थे। निगम द्वारा फाइसागर रोड से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया। बाद में दस्ते द्वारा राम भवन के नजदीक एक अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। निगम के दस्ते ने सिविल लाइन्स इलाके में एक चार मंजिला इमारत को भी सीज किया। यह इमारत बिना नक्शे पास करवाए बनाई जा रही थी। शास्त्री नगर में जो राम भवन है उसके वहाँ जो नगर का नाला जो मुड़ता उस नाले पे सरकारी जमीन के ऊपर कोई कैलाश चंद सौ नाम का व्यक्ति था जिसने अतिक्रमण करके और दो कमरों का निर्माण कर रखा है। पूर्व में भी इस संबंध में जब मुख्यमंत्री से भी जन संवाद हुआ था उसमें भी इसकी शिकायत आई थी संबंधित, और साथ ही जो संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन्होंने भी इसकी शिकायत करी थी। तो महापौर महोदय ने अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किया अभी निर्माण तोड़ा जाए। और गत शनिवार को भी वहाँ पे जो लोगों ने कमरे के ऊपर पट्टियाँ वगैरह डाल करके तो उस समय भी हमने जाते भेज के काम को रुकवाया, लेकिन ये लोग नहीं माने और उन्होंने दो कमरों का निर्माण पट्टियाँ अट्ठे डाल के पूरा कर दिया था, जिसको आज मेरे नेतृत्व में जो दल गया जिसमें पवन मीणा राजस्व अधिकारी और सत्यनारायण सिंह बोरा जो राजस्व निरीक्षक हैं, हम लोगों ने दल के साथ जा करके और आज उन दोनों कमरों को बिल्कुल ध्वस्त कर। सड़कों का तो वहाँ पास में जब हम गए तो उसके पास जहाँ कुछ अनाधिकृत रूप से थैले वगैरह इस तरीके से लगे हुए थे जूते तो वो भी हटाए, साथ में हमने जो ऐसा अतिक्रमण का हमारा दल है हमने पाबंद किया कि बार बार यहाँ राउंड दें और ये तय करें और निश्चित करें कि भाई यहाँ किसी तरीके से दोबारा ये लोग न रहें और रास्ता अवरुद्ध। नगर निगम ने मंगलवार को अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन दुकान को ध्वस्त कर दिया। पार्षद गणेश चौहान की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब इसके बाद में हम फिर वैशाली नगर के अंदर जो ईदगाह रोड है यहाँ पर दो दुकानें हैं, क्योंकि आवासीय कॉलोनी के अंदर जो बनी हुई है ये बिना नक्शा पास कराए ये दोनों दुकानें बनाई गई है। इसमें हमने वो नोटिस वगैरह जारी किए तो इनका कोई भी नक्शा इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, तो इनको अभी हमने यहाँ पर सीज कर रहे हैं ईदगाह रोड के ऊपर। तो वैशाली नगर के अंदर यहाँ जो है कि सांवरिया डेयरी के पास में दो दुकान तीन थी जो अनाधिकृत रूप से आवासीय कॉलोनी में कॉमर्शियल एक्टिविटीज का जो कार्य है तो इसको भी यहाँ सीज किया जा रहा है। नगर निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ओम नगर निवासी कैलाश साहू द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। साथ ही स्थानीय पार्षद ने भी इस विषय में नगर निगम को शिकायत दी थी, जिसके बाद कैलाश साहू को नोटिस दिया गया। इसके बावजूद भी अतिक्रमी ने निर्माण कार्य जारी रखा, जिसके बाद मंगलवार को निगम के कर्मचारियों ने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं हिदायत भी दी गई कि आगे से अतिक्रमण न करें। उसके बाद में अभी दोपहर में हमने जो सेठ बागचंद सोनी नगर तो यहाँ पर भी सीएम पोर्टल के ऊपर शिकायत आई थी कि जो घनश्याम जी जोशी नामक व्यक्ति ने जो वो सड़क के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है और जालिया फेंस वगैरह लगाकर रोड को उन्होंने सकड़ा कर दिया, तो हमने प्रार्थी को नोटिस वगैरह जारी किए थे तो इनका कोई भी संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से ना इनका अतिक्रमण हमने अभी दोपहर में तोड़ दिया। आज करीब हमने सवेरे जो सीएम संवाद जो था मैडम जो पधारे थे उस समय भी शिकायत थी, उसके अलावा भी सरकारी ज़मीन पे श्री किशन चंद साहू करके नाम से जो था उसने कब्जा कर रखा था, उसको दो कमरे का निर्माण था, कई बार रोकने के बाद दोनों निर्माणों को ध्वस्त किया। इसके साथ ही आज जो सीएम सेल में जो संपर्क के जो प्रकरण थे उनके तहत में
एक बागचंद सोनी नगर में कार्रवाई की। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।